ago, I was 7 times as old as you. 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जितने बड़े तुम थे. 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you. मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा. तो यहाँ पर ये एज के क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली मतलब इसकी इक्वेशन बनानी है. तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, फिर भी हम बता रहे हैं और डिटेल में देखना है तो एज वाले क्वेश्चंस के किस तरीके से अलजेब्रा में चेंज होते हैं पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं ढूंढ करके. यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है 7, ये इसमें मतलब ये दिया है कि जैसे एक बंदा है और एक उसका फ्रेंड है, ठीक. एक बार उसकी उम्र दी हुई है कि 7 साल पहले, एक बार उसकी उम्र दी है 3 years from now, 3 साल के बाद, लेकिन उनकी प्रेजेंट की उम्र नहीं दी गई. अब हम इसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इसमें इक्वेशन बनाने के लिए लेट एज ऑफ आई एज ऑफ फ्रेंड मान लो एक्स है एंड एज ऑफ आई वाई, दोनों की उम्र अलग अलग हो गई. अब क्वेश्चन देखो, 7 साल पहले, मैं इसको ऐसे करती हूँ, ये नहीं करते भी. आई की उम्र क्या लिखी हुई है? 7 साल पहले, 7 साल पहले आई की उम्र में से 7 इयर्स घटा दोगे जो भी उम्र होगी, फ्रेंड की उम्र में से भी 7 इयर्स घटा दोगे जो भी उम्र होगी, 7 साल घट जाएंगे. अब रिलेशन बनाना है. 7 इयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स, आई जो है आई बना वो 7 टाइम्स है फ्रेंड के, 7 टाइम एज ओल्ड एज यू. तो 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी है? आई माइनस 7 है ना. तो आई हम मान लो 7 साल पहले उसकी उम्र प्रेजेंट एज एक्स है, यहाँ पे प्रेजेंट एज इसकी वाई है. तो आई वाले में क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 7 और ये 7 हो गया और वाई माइनस 7, ये एक रिलेशनशिप बन गई. अब दूसरी देखो, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, जब फ्रॉम नाउ होता है तो उसमें हम एज को प्लस करते हैं, एगो वाले में एज को माइनस करते हैं, तभी हमने ये माइनस किया था. 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद, तो यहाँ पर इसकी एज क्या हो गई? एक्स प्लस 3, इसकी एज क्या हो गई? वाई प्लस 3. क्या है? आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, आई जो है वो फ्रेंड से 3 टाइम्स है. तो आई की जगह हमने क्या लिखा? एक्स प्लस 3, फ्रेंड की जगह लिखा वाई प्लस 3. अब आपके बेटा ये दो इक्वेशंस तैयार हैं, लेकिन अब दोनों इक्वेशंस को प्रॉपरली लिखकर फिर उसको ग्राफिकली भी हमको रिप्रेजेंट करना है. हमारी पहली इक्वेशन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 7. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 7 वाई माइनस 7 7 जा 49. अब हम सारी गिनतियों को इधर ले आएंगे, x माइनस 7 वाई माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 7 वाई प्लस 9 में से 7 गया 2, 42 इज इक्वल टू 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई. इसी तरह से आप ये सेकेंड इक्वेशन प्रिपेयर करोगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 3, 3 जा 9. सबको आप इधर ले आओ राइट हैंड साइड पर, x प्लस 3 माइनस 3 वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो दीज टू इक्वेशंस आर द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन ग्राफिकली ऑल्सो,
दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ वन बाय वन आई विल मेक द ग्राफ फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, अब हम पहले इसका बनाएंगे. हम y इस तरफ लेते हैं हमेशा, माइनस 7y इज इक्वल टू 42 माइनस x, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 42 बाई 7. अब हम इसकी टेबल बनाएंगे. हम टेबल बना रहे हैं x और y. मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 ले लिया, तो 7 माइनस 42 बाई 7, 12 में से 7 गया 5, 35 बाई 7 विच इज इक्वल टू माइनस 5. यहाँ आ गया माइनस 5, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं, या आप माइनस 7 ले लो, तो माइनस 7 माइनस 42 बाई 7 माइनस 49 बाई 7, यानी माइनस 7 लोगे तो माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है. आप अगर 0 ले लोगे तो ये डिवाइड होगे 7 सिक्स 42. इस तरीके से हमको मिल जाएगा. आप बाकी ड्रॉ कर सकते हो, आपको मुझे पता है. अब आप इधर वाला देखिए, ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x, यानी 3y इज इक्वल टू x माइनस 6, y इज इक्वल टू x माइनस 6 बाई 3. ओके, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे. x और y मान लीजिए 0 ले लेते हैं, ये माइनस 2 आ गया. अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो माइनस 1 हो जाएगा. माइनस 3 ले लोगे तो माइनस 3 हो जाएगा. माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, मान लीजिए 6 ले लोगे तो ये 0 आ जाएगा. तो इस तरीके से आपका वो बन गया. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. आपको इसमें प्लस और माइनस 7 दोनों चाहिए वाई एक्सिस पर. ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और बड़ा चाहिए हमें. फाइव सिक्स सेवन मान लीजिए एक्स एक्सिस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इधर भी काफी बड़ा है ग्राफ. जगह ले रहा है हमारी 7 माइनस 7 0 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 6. माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 यहाँ पर कहीं आएगा. ये आपका बॉक्स है, ये एक्स है, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7. इस तरीके से नीचे तक आपकी ग्राफ लाइन चली जाएगी. अब आप इसको ड्रॉ करिए, 7 और माइनस 5, ये रहा 7, माइनस 5 यहाँ है, यानी यहाँ पे कहीं पर आएगा. फिर माइनस 7 और माइनस 7, ये यहाँ पर जाएगा कहीं पर, ऐसा करके लाइन जाएगी. फिर 0 और माइनस 6, यानी यहाँ कहीं आएगा.
यानी ये जो लाइन आपकी जा रही है कुछ ऐसे जाएगी नीचे से, उधर वाला देखो 0-2 ये आ रहा है आपका, 3-1 यहाँ आ रहा है, -3-3 यहाँ आ रहा है, 6 और 0 यहाँ आ रहा है। ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी आगे बढ़ेगी तो शायद ही मीट करेगी। इस तरीके से आप उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज द कोच ऑफ अ टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर ₹1,300। रिप्रेजेंट दैट एल्जेब्रिकली कि एक कोच है टीम का, उसने बैट्स खरीदे और बॉल खरीदी। ऐसे आप बनाइए जिससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप खुद से कैसे बनाओगे। उसने 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदी और टोटल पैसे उसने कितने दिए, 3,900। इजी। फिर उसने अनदर बैट, गिनती नहीं यानी एक बैट लिया, यानी 1 बैट लिया एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स ले फॉर ₹1,300। आपको इसे अल्जेब्रिकली शो करना है। मान लीजिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए अपने आप। हम अल्जेब्रिकली बता रहे हैं तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स, लेट 1 बैट इज इक्वल टू एक्स एंड 1 बॉल इज इक्वल टू वाई। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये 3 से x को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें आप जोड़ दीजिए और ये 3,900। सिमिलरली x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। इन दिस वे यू कैन मेक द अल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नाउ यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज ₹160। दो फल है हमारे पास, एप्पल और ग्रेप। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। उनका जब खरीदा गया तो उनका जो कॉस्ट आया वो ₹300 आया। वी हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। द सेम मैथड यू अगेन फॉलो। द 2 फ्रूट्स आर देयर, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। Now, number of apples, 2 kg and number of grapes, 1 kg and it cost ₹160. Now, next one, after a month, 4 kg apples, 2 kg grapes and the cost is total ₹300. Okay, now actually question number 1, you have to practice more. How will you make the equation of ages? Okay, and these two questions are so simple. A little bit of practice make you perfect. Let apples is equal to x and grapes is equal to y. Then according to situations, we get the algebraic equation 2x plus y is equal to 160. Similarly, 4x plus 2y is equal to 300. Now you can draw the graph of following equations and got the answer. Now that's enough. Exercise 3.1 is finished.